डियर स्टूडेंट्स, कल से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। टाइम नोट कर लीजिए, रात में 9 बजे के आसपास आएगा, क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग होगा कल आप सभी का मैसेजेस आने लगेगा कि सर अभी तक टॉपिक्स नहीं आया, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या समय है। तो टाइम नोट कर लीजिए, रात में 9 बजे के आसपास डेली आएगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, रिविजन डे रहेगा। और टेलीग्राम पे भी रहिए, क्योंकि टेलीग्राम पर कभी कभी टॉपिक्स तैयार हो जाता है तो हम पहले डाल देते हैं, जबकि यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग एडिटिंग अपलोडिंग इसमें टाइम लगता है। और इसलिए रेगुलरली हम कह रहे हैं कि टेलीग्राम पे भी रहिए, जीएस मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा, एक अखबार हम रेगुलर कर रहे हैं कि एक अखबार भी जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपका करंट तो होगा ही, साथ ही आपका मेंस का पेपर, एसए पेपर तैयार होगा। और मेंस का ही जीएस में भी करंट का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक्स तैयार होगा, क्योंकि इसमें लगातार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस होते रहते हैं जो कई बार मैगजीन में नहीं आते, अखबारों में ही दिखते हैं। तो इस बार हमारा फोकस अखबार पर भी है, क्योंकि करंट अफेयर्स 35 से 38 होगा बिहार को मिलाकर। और जब तक आप मैगजीन के साथ अखबारों को नहीं देखेंगे, करंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये पुरानी आदत है, बहुत सारे वैसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं होता है, एक बुरी आदत है और वो है कि एग्जाम के लास्ट में कोई ईयरली मैगजीन ले लिया या कोई एक करंट अफेयर्स का मैगजीन लेकर लास्ट मोमेंट की तैयारी करने लगे कि करंट अफेयर्स करना है। और यहीं पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, लास्ट मोमेंट में करंट अफेयर्स की तैयारी, जबकि करंट अफेयर्स पूरे साल पढ़ने का होता है। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, आप आधा घंटा दीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स को मैगजीन के साथ अखबारों के थ्रू भी कंसोलिडेट कीजिए। और डेली 10 करंट अफेयर्स अब कल से आपको नोट करना है, डेली 10 करंट अफेयर्स कॉपी में आपको नोट करना है। ये कल से एक रेगुलर जेस्चर होगा। और बिहार स्पेशल के साथ साइंस पर इस बार आपका अधिक फोकस होगा। इस बार देखिए, कोर्स हमने बहुत पहले स्टार्ट ले लिया है, ये आपके लिए, आपके दबाव पर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड तैयार करने के लिए हमने किया है। ये कोर्स चलेगा लगभग 3 से 3.5 महीने, जिसमें हम आपको पूरा फॉर्मेट, पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे और उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे, 3 से 3.5 महीने। लेकिन इस बीच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो कुछ भी हमने कहा है, बताया है या हम सजेस्ट कर रहे हैं, उसे आप रेडी रखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और डेली का एक रूटीन बनाइए। बुक्स को लेकर आपका बहुत सारा लगातार मैसेज आ रहा है कि सर इस बार आपने कुछ नया बुक बताया है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो बुक हमने बताया है वो आपके पास नहीं है, आपके पास कोई तो बुक होना चाहिए या होगा, आपको उसी से पढ़ना है। जैसे बिहार स्पेशल में इस बार हमने नई बुक बताया है, ये थंबनेल देख लीजिए, इसमें सारे बुक्स का लिस्ट हमने डाला है वीडियो के लास्ट में। लेकिन जो बुक्स आपके पास नहीं है, इसमें से आपके पास पहले से होगा, बिहार स्पेशल में आपके पास क्रॉन होगा, आपके पास डॉक्टर मनीष रंजन का होगा, आपके पास केबी सिन्हा होगा, इम्तियाज अहमद का होगा, जिसका भी है आप उसी से टॉपिक मैच कर पढ़िएगा। हाँ, ये हमारी मजबूरी है कि हम किसी एक बुक का ही पेज नंबर दे सकते हैं, सबका तो पेज नंबर देना संभव नहीं है। और हम फिर से आपको कह दें कि एसी के लिए आपको अभी से प्रयास करना होगा, हम गाइड करते हुए चलेंगे। मेंस में आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 1, पेपर 2 होता है और फिर एक एसए का पेपर होता है 300-300 मार्क्स का। तो जीएस के पेपर 1, पेपर 2 के लिए, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी है या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स नए नए आते रहते हैं, बदलते रहते हैं और कई बार बहुत रिसेंट टॉपिक्स होते हैं जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं, जैसे इसरो का कोई सैटेलाइट है या कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है या कोविड जैसी जैसी बीमारी आ गई या एआई से रिलेटेड इस तरह के नए नए टॉपिक्स बनते रहते हैं। तो इसके लिए अखबारों से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो अखबार नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम गांव में रहते हैं, अखबार नहीं आता है, तो ऑनलाइन वर्जन पढ़िए एनसीईआरटी की। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले सुन लीजिए, एनसीईआरटी का जो बात है 6 से लेकर 10 तक हम लेकर चलेंगे और ये भी ई पाठशाला ऐप पर जाकर आप फ्री में पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हालांकि हार्ड कॉपी होगा तो अंडरलाइन करके आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो ये आप पर है, हम तो सब आपको मौके दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी गृहणियां हैं, छात्राएं हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आपके पास समय का बड़ा अभाव है तो ध्यान रखिएगा कि एक दिन का ड्यूज अगले दिन के लिए मत छोड़िएगा, चाहे आप एक ही घंटा पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप एक ही घंटा पढ़िएगा, लेकिन डेली पढ़िएगा, डेली का रूटीन बनाइएगा। हमारा रेगुलर एपिसोड्स आएगा सैटरडे और संडे छोड़ करके। तो कल से स्टार्ट होगा, रात में 9 बजे आपका पहला एपिसोड आएगा। टेलीग्राम पे भी रहिए, कई बार टेलीग्राम पर हम पहले डाल देते हैं। सो गेट रेडी, जो भी बुक्स है आपके पास आप उसी बुक से पढ़िए, इसको लेकर कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं लेना। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।